ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में जिला स्तरीय छात्रा कन्वेंशन का आयोजन किया गया। सरकार संविधान को हटाकर उस जगह पर मनुस्मृति रखना चाहती है जो मनुस्मृति महिलाओं को पशुओं के साथ तुलना करता है। उस व्यवस्था के खिलाफ देश भर में लड़ाई लड़नी है। नई शिक्षा नीति 2020 जो लड़कियों को शिक्षा से वंचित करता, क्योंकि 15 से 18 साल की 40% लड़कियां नई शिक्षा नीति में स्कूल से बाहर हो जाती है क्योंकि मुफ्त शिक्षा वहां पर ख़त्म हो जाता है। इस नई शिक्षा नीति की वजह से शिक्षा और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी और गरीब दलित और लड़कियां शिक्षा से वंचित हो जाएगी। आज दिनांक 5 नवंबर 2022 को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने बेगूसराय श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में तन्या वर्मा और अरुबा के नेतृत्व में जिला स्तरीय छात्रा कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में CISF की राष्ट्रीय नेत्री संघ मित्रा, जेना राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा, SBSS कॉलेज के प्राचार्य विमल कुमार, CISF के जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार, तत्कालीन उप महापौर राजीव रंजन, ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसर रेहान थे। BNP न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जी, आज सैकड़ों छात्राएं यहां उपस्थित हैं संघ मित्रा जेना को सुनने को, और आपने जो सब्जेक्ट रखा हुआ भी एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। यहां से जाने के बाद समाज को कितना मिल पाएगा इन सभी बेटियों के बारे में, चूंकि इन सबों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जिलाध्यक्ष बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो बेगूसराय के अंदर आज हम कन्वेंशन बेगूसराय के अंदर किए हैं, आने वाले दिनों में राज्य कन्वेंशन करेंगे और राष्ट्रीय कन्वेंशन करेंगे। पूरे देश में मेरा संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट का। सीधे तौर पे मैं बेगूसराय जिला अध्यक्ष और बेगूसराय का सवाल पर बात करता हूँ। लगातार आए दिन लगातार महिलाओं के साथ आप देख रहे हैं, आप मीडिया बंधु हैं, लगातार देख रहे हैं महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार जब चुनाव आता है तब बोलते हैं हम महिला को सुरक्षा की गारंटी करेंगे, हम बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय देंगे। लेकिन क्या लगातार हमारा संगठन कई दशक से बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के लिए लगातार संघर्ष किया है, लेकिन अभी तक बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। हमारे बेगूसराय के दो संसद हैं, एक अपने आप के हिंदू सम्राट कहलाने वाले, एक राज्यसभा संसद है, लेकिन दो संसद होने के बावजूद भी अभी तक हमारे बेगूसराय में राज कबीराम धारी सिद्धि करके नाम पर विश्वविद्यालय नहीं मिला है। दूसरा सवाल, जब महिला की बात करते हैं, महिला को लगातार हमने सरकार को से मांग किया है, चाहे NDA की सरकार हो चाहे महागठबंधन की सरकार हो, लगातार हम बात किए तेजी से PG तक महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य है, जब मैं विधानसभा मार्च कर रहे थे उस समय प्रतिनिधिमंडल हमें मिला, मिलने के बाद वो बताए कि हम अगला सत्र से महिलाओं को निःशुल्क सुविधा देंगे और SC ST छात्र को, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। आने वाले दिनों में हम छात्रों को करेंगे और संघर्ष करेंगे, जब तक हम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं करेंगे, जब तक बेगूसराय में राष्ट्र के विरामधारी के दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं लेंगे, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम तब तक संघर्ष करेंगे, जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। संदेश देना चाहेंगे, ये बिहार की धरती है जो संघर्ष का एक मैसेज सारा देश को अभी दे रहा है। अभी हाल ही जो अभी इक्वेशन भी बना पॉलिटिकल पार्टीज का, वो चीज़ें हो या फिर तमाम मूवमेंट का हो, जैसे NTPC रेलवे का भी आप देख लीजिए, तमाम देश भर में विरोध हुआ लेकिन ट्रेन कहाँ जलाए गए बिहार में। हम ये नहीं बोल रहे कि ट्रेन जलाना एक रिजल्ट है, यानी कि एक समाधान है, लेकिन जब पेट में जो आग लग रही है अगर वो जमीन पर आ जाए तो इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। तो बस हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार में प्रश्न है, नई कितना बच्चे प्रेरित होंगे इसमें। सबसे पहले तो जिस सवाल पर हम यहाँ पर कन्वेंशन किए हैं, छात्राओं महिलाओं के शिक्षा सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर, सिर्फ छात्राओं के शिक्षा सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर जब इतनी लड़कियाँ यहाँ पर आ गई संगीत्रा को सुनने के लिए, इतनी लड़कियाँ इस सवाल पर यहाँ पर आ गई हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात से आप रिजल्ट समझ सकते हैं कि कितनी छात्राएं पीड़ित हैं और कितनी छात्राओं को लगता है कि उसके अधिकार को, चाहे वो सरकार के द्वारा चाहे वो जिस द्वारा भी हो, उनके अधिकार को छीना जा रहा है। क्योंकि जब उनके सवाल की बात आई तो वो यहाँ पर आई हैं, निश्चित तौर पर ये जो कन्वेंशन उनके सवाल पर आयोजित है वो यहाँ पर आई हैं। हम चीफ गेस्ट के रूप में अपनी राष्ट्रीय नेत्री
संघ मित्रा को बुलाया है। निश्चित तौर पर इनसे प्रेरणा भी मिली है और आगे आने वाले दिनों में नए संघर्ष की शुरुआत होगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से इन्होंने लोगों को समझाया, छात्राओं को समझाया, कन्विंस करने का काम किया है, निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट मिलेगा। छात्राएं अपने सवाल पर लड़ने के लिए आगे आएंगी, समाज के सवाल पर लड़ने के लिए आगे आएंगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। धन्यवाद।